अरे आवाज कम कर दो। आवाज कम कर दो। हल्द्वानी के गोला नदी में धड़ल्ले से खनन चल रहा है। इस खनन से सरकार को सालाना 100 करोड़ से ज्यादा का राजस्व भी मिलता है। नदी से खनन में करीब 8,000 ट्रकों के अलावा 50,000 से ज्यादा मजदूर उप खनन की निकासी करते हैं, लेकिन यहाँ पर नियम कानून ताज पर रखकर खनन किया जा रहा है। खुद खनन विभाग के अलावा प्रशासन ने इसी साल करीब 3 करोड़ रुपए की अवैध खनन मामले में कार्रवाई करते हुए पेनाल्टी लगाई है। उसके आसपास जो है कुछ अवैध खनन करने की शिकायत मिली थी, जिसपे छापेमारी करते हुए और पैमाइश करते हुए 1,17,00,000 रुपए आरोपित किया गया था। अभी 2 दिन पहले ही ओलिविया एक कॉलोनी कटी, उसके बाहर एक बहुत बड़ा गड्ढा पाया गया था, जिसकी पैमाइश करते हुए 27,00,000 रुपए दंड आरोपित किया गया है। तो ये हम लोग समय समय पे जो ये कार्रवाई करते रहते हैं। संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि प्रशासन को कई बार स्टोर क्रेशरों की ओर से की जा रही चोरी पर शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। गड्ढे खोद दे रहे हैं, अगर इनके गड्ढे प्रशासन सही से जांच कर ले, इनके ऊपर मुकदमा लगा के इन्हें जेल भेजा जाए और उसके बाद इनके ऊपर जो भी कार्रवाई वो करी जाए, क्योंकि गड्ढे की इन्हें जितने की परमिशन मिली उससे इन्होंने 10-10 गुना ज्यादा गड्ढे खोद दिया। हालांकि अब अवैध खनन की लगातार आ रही शिकायतों पर प्रशासन ने कड़े कदम उठाने की बात कही है। पटवारियों को भी निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह यदि कोई अवैध खनन करते हुए पाया जाता है या गड्ढे बनाता है तो उसकी सूचना वो तत्काल दें। गोला नदी में खनन की अनुमति भी दी गई है और तो उसके कुछ नियम है, मानक तय किए गए हैं, लेकिन खनन कारोबारी सारे मानकों को ताक पर रखकर खनन कर रहे हैं। जाहिर है संबंधित अफसरों की मिलीभगत के बिना ये संभव नहीं। ऐसे में सिर्फ खनन कारोबारियों की नकेल कसने से काम नहीं चलेगा, भ्रष्ट अधिकारियों को पहचान कर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी होगी, तभी कुछ फायदा हो सकेगा। बिपिन चंद्रा, सारा न्यूज ब्यूरो, हल्द्वानी। नदियाँ जल के रूप में सिर्फ जीवन ही नहीं देती हैं, बल्कि सोना भी उगलती हैं। जी हाँ, वो सोना जो पहाड़ों से नदियों की गोद में बहकर खनिज के रूप में मैदान में आता है, लेकिन लगातार इस सोने की लूट हो रही है और इसे रोकने के लिए राज्य सरकार सक्षम नजर नहीं आती। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। नदियों में बहकर आने वाला रेता, बजरी और पत्थर सोने से कम नहीं, लेकिन राजधानी समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में इस पर खनन माफियाओं का कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य में सिर्फ शारदा, कोसी, दापका, गोला और सोम में वन निगम, कुमाऊं गढ़वाल मंडल विकास निगम और अन्य सरकारी उपक्रमों को ही खनन की इजाजत है। शारदा में 386 हेक्टेयर, कोसी नदी में 254 हेक्टेयर, दापका नदी में 223 हेक्टेयर और गोला नदी में 1500 हेक्टेयर की ही इजाजत मिली हुई है। नदियों में खनन की इजाजत कड़ी शर्तों के ही साथ दी जाती है, लेकिन तमाम नियमों का यहाँ पर उल्लंघन किया जाता है। साथ ही साथ अवैध खनन भी होता है, जिसे रोक पाने में राज्य सरकार भी सक्षम नहीं। आकलन नहीं बनाया जा सकता, पर ये सही है, केवल अवैध खनन ही नहीं हो रहा, खनन की लूट हुई है। उसकी व्यवस्था न तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर सकता है, उनपे इतने संसाधन नहीं है, अन्य विभाग भी। जब तक इसमें कोई रीत नीति ऐसी नहीं होगी कि खनन के लिए अवैध गाड़ियां अंदर प्रवेश ही न कर पाए। उत्तराखंड में खनन से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है, जबकि इतने ही करोड़ रुपए का अवैध खनन भी होता है, जिसके पीछे नेता, अफसरशाह और पुलिस प्रशासन का गठजोड़ बताया जा रहा है। इस तरह का नहीं होता जो यहाँ हो रहा है। इसका विरोध सब अखबार वालों को, टीवी वालों को, ब्यूरोक्रेट तो करेंगे नहीं, वो तो मिले हुए हैं, राजनीति भी नहीं करेंगे। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का कोई कानून नहीं, महज जुर्माना भरकर दोषी छूट जाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फिलहाल कुछ सरकारी उपक्रम ही नदियों में खनन का काम कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब राज्य सरकार प्राइवेट पार्टियों के लिए
रास्ता बनाने जा रही है। इसके लिए वो बकायदा खनन नीति लाएगी जिसे आगामी कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि अगर निजी हाथों में एक बार फिर नदियों से चुगान का काम दे दिया जाएगा तो कहीं खनन माफियों का राज एक बार फिर कायम ना हो जाए। हल्द्वानी में विपिन चित्रा के साथ मनोज खंडवाल, सारा न्यूज ब्यूरो, देहरादून। तो धीरेन जी हमारे साथ मौजूद है, साथ साथ प्रकाश पंत भी मौजूद है। धीरेन जी क्यों